हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 20 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। प्रोफेसर गगनदीप कांग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल साइंटिस्ट टू बी इलेक्टेड एज ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS इन द UK फेलोशिप 358 ईयर हिस्ट्री। प्रोफेसर गगनदीप कांग ब्रिटेन की फेलोशिप के 358 वर्ष के इतिहास में रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका फर्स्ट सैटेलाइट रवाना फर्स्ट वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस फ्रॉम नासाज फ्लाइट फैसिलिटी ऑन वर्जीनियाज ईस्ट शोर। रवाना फर्स्ट वेट्स अराउंड 1.05 kg एंड द लाइफ स्पान ऑफ द सैटेलाइट इज अराउंड 1.5 years। द सैटेलाइट वॉज डिजाइंड एंड बिल्ट एट द कयूसू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन जापान बाय 2 श्रीलंका रिसर्च इंजीनियर। श्रीलंका के पहले उपग्रह रावण फर्स्ट को वर्जीनिया के पूर्वी तट पर नासा की उड़ान सुविधा से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। रावण फर्स्ट का वजन लगभग 1.05 kg और उपग्रह का जीवन काल लगभग 1.5 वर्ष है। उपग्रह को जापान के क्यूसू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 श्रीलंकाई अनुसंधान इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। ड्यूस बैंक अपॉइंटेड कौशिक सपारिया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर इंडिया टू सक्सेस्ट रवनीत गिल। गिल लेफ्ट द बैंक टू हेड प्राइवेट लैंडर यस बैंक। सपारियाज अपॉइंटमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम मई 2019। ड्यूस बैंक ने रवनीत गिल के स्थान पर कौशिक सपारिया को भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। गिल ने निजी ऋणदाता यस बैंक के प्रमुख के लिए बैंक से इस्तीफा दिया था। सपारिया की नियुक्ति मई 2019 से प्रभावी होगी। नेक्स्ट, मालीज प्राइम मिनिस्टर सोमयेलो बाउबे माइगा हैज रिजाइंड अलोंग विद हिज होल गवर्नमेंट फॉलोइंग ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ओवर इट्स फेलियर टू हैंडल वायोलेंस इन द वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। पश्चिमी अफ्रीकी देश में हिंसा के नियंत्रण में अपनी विफलता पर अविश्वास प्रस्ताव के बाद माली के प्रधानमंत्री सोमयेलो बाउबे माइगा ने अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। ए टोटल ऑफ 150 इंडियन पेस कीपर्स सर्विंग विद द UN मिशन इन साउथ सूडान UN मिस हैव रिसीव्ड मेडल्स ऑफ ऑनर फॉर दियर डेडिकेटेड सर्विस एंड सेक्रीफाइस। दक्षिणी सूडान UN मिस में संयुक्त राष्ट्रीय मिशन के साथ सेवारत कुल 150 भारतीय शांति रक्षकों को उनकी समर्पित सेवा और बलिदान के लिए सम्मान के पदक प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रैंकसेट रिपोर्ट्स रैंकिंग रिपोर्ट की। इंडिया रैंक्ड 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। द इंडेक्स इज टॉप्ड बाय नॉर्वे। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में 80 देशों ने भाग लिया, उसमें से भारत का स्थान 140वां रहा और सूचकांक में नार्वे सबसे ऊपर है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। बात करते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। इंडियाज बजरंग पूनिया हैज रिगेन्ड द वर्ल्ड नंबर 1 सपोर्ट इन द मैन 65 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी रैंकिंग। द रैंकिंग वर रिलीज्ड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग।
भारत के बजरंग पूनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी की रैंकिंग में विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। रैंकिंग को संयुक्त विश्व कुश्ती द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है मिसलेनियस न्यूज विविध समाचार। नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच इज गोइंग टू हैव हर मिशन ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS एक्सटेंडेड टू 328 डेज विच वुड सेट ए रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस लिफ्ट बाय ए वुमेन। नासा की यात्री क्रिस्टीना कोच ने अपने मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 328 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, जिसे एक महिला द्वारा की गई सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष यान का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल और आल्सो फॉलो मी ऑन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और साथियों, आज से हम PDF का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना स्टार्ट करेंगे, तो आप हमारे यहाँ से यूवी कंपटीशन चैनल से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।